तो दोस्तों फाइनली ने हमारे इंडियन बाइक्स ड्राइंग 3D के अंदर न्यू अपडेट आ चुका है और यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने ड्रैगन को भी स्पॉन कर लिया है और जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि आप भी कैसे ड्रैगन को स्पॉन कर सकते हैं और साथ में न्यू डायनासोर को भी कैसे ले सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना और अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको इंडियन बाइक्स ड्राइंग 3D के रिलेटेड अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो गाइस देख सकते हो कि सामने से हमारा बहुत ही बड़ा डायनासोर आ चुका है और ये डायनासोर को इस गेम से रिमूव किया जाएगा क्योंकि इसको अलावा हमें न्यू अपडेट में न्यू डायनासोर दिखेगा और काफ़ी मज़ेदार भी है हमारा ये डायनासोर। तो शायद मुझे लगता है कि ये डायनासोर भी हमारे गेम के अंदर रहना चाहिए और उसी के साथ में न्यू अपडेट में हमें न्यू फ्लाइंग बाइक भी देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पर देख सकते हो। न्यू फ्लाइंग बाइक काफ़ी मज़ेदार लग रही है गेम के अंदर और ये हमें न्यू अपडेट में देखने को मिल सकती है। और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको न्यू अपडेट में क्या क्या चाहिए, वैसे आपको ये फ्लाइंग बाइक कैसे लग रही है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपको इस अपडेट में एक ट्रैक्टर भी चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में बताना क्योंकि ट्रैक्टर भी हमें ऐड करवाना है और काफ़ी लोगों का कमेंट आया था कि भाई ट्रैक्टर भी ऐड करवा दो, फ्लाइंग बाइक तो ऐड हो चुकी है एंड इसके साथ हमें ट्रैक्टर भी चाहिए क्योंकि ट्रैक्टर की काफ़ी डिमांड है और उसी के साथ रेन मोड भी चाहिए काफ़ी को। तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि रेन मोड भी ऐड करवाना है और उसी के साथ हमें न्यू अपडेट में न्यू टैंक भी दिखेगा। यहाँ पर देख सकते हो ये न्यू टैंक कैसे लगा आप भी बताना और ये न्यू टैंक काफ़ी मज़ेदार है और ये हमें नेक्स्ट अपडेट में देखने को मिल सकता है और काफ़ी मज़ेदार टैंक है, इसे आप फायर भी कर सकते हो। तो चलो मैं आपको फायर करके दिखाता हूँ इस न्यू टैंक का और देखते हैं कि फायर करने में कैसा लग रहा है। और गाइस न्यू टैंक काफ़ी मज़ेदार लग रहा है गेम के अंदर, तो ये देख सकते हो आप यहाँ से फायरिंग भी कर सकते हो और काफ़ी मज़ेदार है ये टैंक और उस टैंक के साथ ये टैंक भी काफ़ी मज़ेदार है, इसको चलाना बहुत इजी है। वैसे तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ।